जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं और बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास कि सर दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली के धरने में क्या होगा, भर्ती कब आएगी, कैसे रिजल्ट आएगा, सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों उसमें दिल्ली के धरने में क्या हुआ, किसने सारी चीजें अपनी, बहुत सारी डिपेंडेंट, कौन से बंदों ने क्या किया, सही किया, कौन से राजनीति की, कौन से बंदों ने, और किनकी वजह से वहां पर जो माहौल था वो बिगड़ा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो क्योंकि आज की जो सच्चाई वो किसी ने अभी तक आपको बताई नहीं होगी, वो सच्चाई से मैं आपको पूरी तरह रूबरू कराने जा रहा हूं। ये सच्चाई बताने के बाद शायद मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आएंगे, लेकिन उन कॉलों की धमकियों से जेडी सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी करना है आप कर लीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैं अपने दर्शकों को, यूट्यूब चैनल वाले जो भी दर्शक हैं, और इस भीड़ को और इस युवाओं को वो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जब हम धरने पे पहुंचे, ठीक है, हमें सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन ये पता था कि जितने भी इंडिया के एकेडमी वाले संचालक हैं और कोचेज हैं, बड़े बड़े नाम आप यूट्यूब पे देखते हैं, उनके वीडियो भी देखते हैं, वो सारे धरने पे आ रहे हैं। हमने सोचा कि चलो तो हम लोग भी कम से कम 10 से 15 बंदे दो गाड़ियां लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। हम दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पर पहुंचे 3:30 बजे, 5 तारीख का टाइम था, और 3:30 बजे पहुंचे। जैसा कि लाइव लोकेशन में शो कराया जा रहा था, जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इस धरने की 2-3 लोगों ने शुरुआत की थी, तो सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा कि संदीप फौजी सर ने 2 दिन पहले से वहां अपना सारी चीजें एक डिसाइड करके वहां पे परमिशन लेटर लेके कम से कम 50 बच्चों के साथ वहां बैठे हुए थे। 3:30 बजे रात का समय था, मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा वहां पर, देखा कि कम से कम 50 बच्चे लेटे हुए हैं और संदीप सर भी उन्हीं के बीच में लेटे हुए हैं। हम आपको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, ये देखिए कि संदीप सर वहां पे लेटे हुए कि नहीं। के बाद थोड़ी देर के बाद संदीप सर से हमारी बात हुई और मिले, सारे बच्चों से मिले। उन्होंने कहा कि सर जंतर मंतर में 10 बजे धरना देना है, सारे कोचेज पहुंचने वाले हैं। 10 बजे वहां पर देखा कि वहां पे सारे कोचेज, जितने भी एकेडमी के संचालक थे, कम से कम वहां पर 45 एकेडमी के कोचेज और संचालक पहुंच चुके थे। पीछे 4 लोग आ रहे बोल रहे कि ये बोलो, 5 लोग साइड में आ रहे बोलो ये बोलो, कोई बोल रहा है एकेडमी वाले कर रहे हैं, कोई बोल रहा है ये वाल कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 4 लोग वहां खड़े हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप गैंग बनाना बंद, और बहुत सारे बच्चों को लेकर, और जो बच्चे कोचिंग के भी नहीं थे वो भी कोचिंग वाले बच्चे, अदर कोचिंग, जिनको भी पता था, जिनको भी भर्ती का जुनून है, जिनके साथ ये सारी चीजें घट रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, वो सारे बंदे अपने पीठ पे यानी झोला टांगे हुए, भूखे प्यासे, पानी की बोतल हाथ में लिए हुए, जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई के लिए तिरंगा झंडा लिए हुए वहां पर खड़े थे, और बिल्कुल आराम से शांति के साथ माहौल वहां पर अच्छा था। सारी चीजें, सारे कोचेज लीड कर रहे थे, हम लोग भी वहीं पर थे, सारी चीजें। अचानक कुछ ऐसी, यानी सारे, जैसा कि आप समझते हैं कि जंतर मंतर पर जो भी धरना, जिसकी भी कोई भी मांग होती है वहां पर बैठ कर होती है, यानी शांति के माहौल पर होती है, वहां पर सारी फोर्सेस लगे होती हैं आपके कंट्रोल के लिए। अगर आप अभद्र करते हैं, बहुत सारी चीजें यानी तोड़फोड़ करते हैं, तो आपको वहां से मार के और भगा दिया जाता है, जेल में भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई, बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि 50 बंदे गिरफ्तार 10 बंदे गिरफ्तार, इसकी भी सच्चाई बताऊंगा मैं कि हम अपना श्रेय ले रहे हैं कि हम वहां पर, हम छुटाने गए थे, हम बच्चों के, हमने लिया, हमने श्रेय लिया, हम बच्चों को छुड़ा के लाए। तो बहुत सारी चीजें भी क्लियर करूंगा कि उसका क्या होता है, कि अगर धरने में बच्चे बंद हो जाते हैं तो उसका क्या रूल होता है, क्या सारी चीजें, तो वीडियो में बने रहना। वहां पर काफी चीजें, सब बच्चों को शांत करा के ये सारी चीजें, सारी एकेडमी के संचालकों के नाम लिखे गए, कोचेज के नाम लिखे गए। हो रहा है अब सारे भाई पीछे खड़े मत हो, बैठे रहो शांति से, जितने हैं उतने काफी हैं, आराम से बैठे रहो अपना। joinindianarmy.nice.com .in उसी पे भर्ती का नोटिफिकेशन होना चाहिए, उसी पे 2 साल की छूट होनी चाहिए, और उसी पे जिनका मेडिकल फिजिकल हो चुका है उनकी डेट आ जानी चाहिए। सारे भाई एयरफोर्स वाले बैठे, मैं भी उधर सुन रहा था, एयरफोर्स वालों के बारे में बोल रहा हूँ, उनमें दम नहीं था। अरे भाई, अरे जब एयरफोर्स वालों में दम कैसे नहीं होता, रे थल सेना नीचे से लड़ती है, एयरफोर्स ऊपर से वही आके सपोर्ट करती है। एयरफोर्स वाले कम नहीं है, एयरफोर्स वाले भाई बराबर हमारे साथ रहेंगे। एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी,
ये हमारी जो मांगे हैं वो मांगे सबको पता है। इसी बीच पे उनको सबको मोटिवेट किया गया कि आप बैठिए, थोड़ा खाने पीने की सारी व्यवस्था जहां पर संदीप फौजी सर ने कर रखा था और वहां पर आप जाएंगे खाना खाएंगे, लेकिन पहले हम यहां पर धरने पे अपनी मांग को लेकर सारी चीजें पहले हम रक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे और वहां से कोई लेटर आएगा तब हम यहां से उठ के जाएंगे। इसी बीच हमारे कमांडो सर, आप उनके वीडियो देखते होंगे, हमारे कमांडो सर रामदेव सर को लेकर आते हैं भीड़। आपके सामने एक बात रखूं कि नेवी के अंदर जो कट ऑफ है वो 95 तक जाता है, जबकि मैं बताता हूं आपको एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी अपने एग्जाम्स लेने की जो योग्यता रखता है वो 45% रखता है। एक एनडीए के अंदर ऑफिसर्स बनाने के लिए 45% की जरूरत है, लेकिन एक वहां पर डी कैटेगरी ऐसे डबल एसएसआर एमआर की कैटेगरी के लिए 95 तक लिस्ट जाती है, तो सबको मौका मिलना चाहिए वहां पर एग्जाम देने का। ये नेवी का है, हमने जो लिस्ट बनाई है इस लिस्ट में सबसे हमारे साथ में अनुभवी है हरेंद्र जी अपनी दो बात रखे कि हमने किस प्रकार से और आगे संगठित होकर काम करना है। अरे भाई सुनो, ये बंदा है जिसने मेहनत किया 400 किलोमीटर पैदल चल के, तो मेन है ये आर्मी का स्टूडेंट हूँ। मेरा यही कहना है भाई, 2 साल की उम्र के मैंने छूट मिलनी चाहिए, ये दोस्तों जल्दी से जल्दी भर्ती कराए जाए। मैं तो ये आपको जोश दिलाने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर एक बार ताली बजाइए इनके लिए। देखो मेरी बात सुनो, 5 बजे का समय है, ऐसे अगर लोग बाइट देंगे और एक ही बात अगर मान लो 10 बार बोलेंगे ना तो 5 बजे निकल जाएंगे। और ये 5 सभी का सत श्री अकाल, मैं पंजाब से आया हूँ, सरकार के लड़के आए हैं, मैं अपने आप लड़ने आए पंजाब से आया हूँ। 3 दिन लगे मुझे आने में, किसी ने एक बार भी पंजाब का नाम, मैं ये नहीं कहता कि मैं पंजाब वक्रा कहता हाँ, पर जो बंदे का ले होते उन्होंने पूरा 400 मीटर पैदल चल के उन्होंने अगुवाई की इस आंदोलन का, जो नींव थी उन्होंने रखी, संदीप फौजी सर ने रखी, रामदेव सर ने रखी, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं और सलूट करता हूं ऐसे बंदों को जो युवाओं की हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और कमांडो सर से भी एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको अगर बोलना ही था, अगर आपको इतना उस समय अगर आप लोग चाहते थे कि आंदोलन हो, तो आपको क्या करना था कि सारे एकेडमी संचालकों को एक साथ बुला के वहां पर आप लोग मीटिंग करते और ये सारी चीजें आपस में करते कि नहीं भाई इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा होता नहीं, सारी चीजें बैठा। लेकिन इनके आने के बाद पूरा माहौल बिगड़ा, सारा माहौल बिगड़ने के बाद एक बंदा और बोलता है कि ये जितने भी एकेडमी वाले हैं सब अपने प्रचार के लिए आए हुए, ये वहां से माहौल बिगड़ा और बंदों का जितने भी बच्चों का था माइंड डाइवर्ट हुआ और अलग अलग गुटों पे कोई मीडिया के साथ लगा हुआ है, कोई उधर इंटरव्यू दे रहा है, ये कौन सा तरीका है यार। जब वहां पर आप लोगों को बुलाया गया है और वहां पर सारे इकट्ठा होकर हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप लोग मीडिया पे क्यों कर रहे हो, अलग धरना दे रहे हो, 10 ये दो कोच उधर लेके जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ कम से कम 8-10 कोचेज थे, जिसमें से संदीप फौजी सर थे, बीरू फौजी सर थे, और इसके बाद फोर्स कपिल सर थे, और इसके बाद मिश्रा सर थे, और शिवा सर थे, अंकित सर थे, जिसमें से और कई नाम हैं, जो कम से कम 10 एकेडमी वाले बंदे थे। और उसमें से ये डिसाइड हुआ कि आप लोग ऐसा करिए कि इन सारे चीजें इकट्ठा होकर सारे बंदों को वो करिए। लेकिन इनके बोलने के बाद माहौल बिगड़ा, बच्चे तितर बितर हुए, इसके बाद हम लोगों को पूरी फोर्स ने उसमें भरा, बसों में भरा और जाके नई दिल्ली स्टेशन में छोड़ दिया। ठीक है, ये था आंदोलन का सच्चाई। कोई बात नहीं, सारे मुखर्जी नगर पे जितने भी कोचेज थे, 10 कोचेज जिनके मैंने आप नाम लिए, बीरू सर, कपिल सर, शिवा सर, अंकित सर, मिश्रा सर, संदीप सर और मैं यानी जेडी सर, सब लोग पहुंचे वहां पर। और हमारे सबसे ज्यादा अहम बात जो थी, जिनको कोई फायदा नहीं था, जो घर पे बैठे बैठकर भी अपनी न्यूज को कवरेज दे सकते थे,
मैं उनको सलूट करता हूँ। उनका इस फौज से यानी फौज से रिलेटेड उनके वीडियो यूट्यूब पे आते हैं, डी न्यूज सर के, डी न्यूज सर ही हम उनके नाम जानते हैं, जो आप लोग वीडियो में देख लीजिए। और उनका पूरा पूरा सहयोग रहा, वो बेचारे टेंट पे पड़े हैं नीचे। पूरा कवरेज कर रहे हैं, सारी सच्चाई दिखा रहे हैं, जो मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, जो जिनको किसी चीजों से मतलब नहीं, कोई पब्लिसिटी से मतलब नहीं, सिर्फ सच्चाई दिखा रहे हैं, वो भी बेचारे पड़े हुए हमारे साथ। कोई बात नहीं, शाम हुई धरने का तो काफी बच्चे इधर उधर हो गए, भूखे प्यासे घूम रहे हैं। हम लोगों ने, सारे लोगों ने एक ये बनाया, मीटिंग बनाई कि भाई जो जो बंदे, चलो जो भी हुआ कोई बात नहीं, जो भी दिक्कतें आई इस आंदोलन में। लेकिन फिर डी न्यूज सर ने हमसे बोला, हमारी टीम से बोला, जितने भी थे, बीरू सर थे, जितने भी कपिल सर थे, शिवा सर थे, अंकित सर थे और मिश्रा सर थे, संदीप सर से, सब लोगों ने एक डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं कि इन जो लोग अलग हुए हैं, जो अपनी या अलग से अपनी टीम बना रहे हैं, उनको एक साथ किया जाए। जैसे कि आप लोग टीम देखो, ये देखो वीडियो देखो कि हम लोगों ने कैसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग एक साथ हो जाइए। वीडियो देखिए जरा, गौर चाहूंगा जिन्होंने अराजकता फैलाई है। भाई देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम अपनी पब्लिसिटी तो कर चुके हैं, अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके आप भी वापस आ जाओ, बच्चों की हक की लड़ाई लड़ना है, ना कि आपने वीडियो तो डालना ही रहता है यार। इनका तो कम से कम एक बार जब आपको शुरू किया है तो कम से कम इनका तो खत्म कराओ। सही बात, इनके बच्चों के हक की लड़ाई तो लड़ो। पता नहीं कौन है, कितनी दूर से आए, पता नहीं कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं। सरदार सर, मैं तो संचालक थे, संचालक को सभी को आना है, सभी को आने वाले सारे संचालक हैं, लेकिन अभी यहां संचालक के बच्चे हैं। एक रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों से, अगर पब्लिसिटी हो गई हो तो कृपया करके आप लोग वापस आ जाओ, मुखर्जीनगर पहुंचो और इन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ लो। आंदोलन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना माने, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, नर्वस ना आप लोग, हम आपका इंतजार कर रहे हैं मुखर्जी नगर में। ज्यादा से ज्यादा आप आए, जितने भी संचालक है वो भी आए। देखिए भाइयों, बैठकर बात करनी पड़ेगी, एक दिन फिर से एक बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक दिन में आंदोलन कोई सा भी सफल नहीं होता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इनको फोन किया गया, चलो कोई बात नहीं, डिसाइड हुआ मिलने के लिए इन दो बंदों से, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदौर सर से यानी जितेंद्र पहरवाल सर से और कमांडो सर से और रामदेव सर से, टीम मिलने पहुंची। ये डिसाइड हुआ कि भाई एक साथ करो, नहीं तो धरने को हम लोग सफल नहीं बना सकते। एक साथ करने से क्या होगा कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी टीम पहुंची, ये वीडियो देखिए, मुखर्जी नगर की जो व्यवस्थाएं थी, वहां पर टेंट लगा हुआ है, बच्चों के सोने की व्यवस्था है, गद्दे की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और एक वायरल वीडियो भी हो रहा है अभी कि वो क्या बार कोड डाल के पैसे मांगने की कोशिश, उसका उसकी सच्चाई में बताने वाला हूँ वीडियो में, लास्ट तक बने रहो। क्या हुआ उसके साथ और क्यों उन्होंने जारी किया और क्या था उसका सच, वीडियो में बने रहो। ये सारी चीजें होने के बाद उन्होंने बोला, उन तीनों लोगों ने बोला कि राजीव नगर में कल धरना होगा, जबकि हम लोगों ने बोला, सारी चीजें बोली कि वहां पर क्या व्यवस्था है, बच्चे के खाने की क्या व्यवस्था है, बोले सारी व्यवस्था है, कोई बात नहीं। राजीव नगर यानी सुबह हुई, हमारी टीम वापस आई, रात के 2 बज चुके थे, मच्छरों के साथ खाना खा के, यानी सो रहे बेचारे, कोई सो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सारी चीज हो गई। सुबह हुआ 8:30 बजे कॉल की गई, बोले सब लोग राजीव नगर पहुंचो, हमारी पूरी टीम, कपिल सर और फौजी यानी बीरू फौजी सर और शिवा सर, अंकित सर, मिश्रा सर, संदीप सर यानी मैं, जेडी सर, सब लोग राजीव नगर पहुंचे अपने बच्चों को लेकर। वहां क्या देखा कि पूरा अफरा तफरी मची हुई है, वहां पर कोई ना तो कुछ रुकने की व्यवस्था है, वहां पे पुलिस को पहले ही पता चल गया, सबसे पहले फोर सर की गाड़ी पकड़ी गई, बीरू सर की गाड़ी पकड़ी गई, हमारी भी गाड़ी पकड़ी गई। जब यार तुमको, तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है वहां पर राजीव नगर में, तो वहां पर आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हो, क्यों वहां पे बुला रहे हो, क्यों बच्चों को फंसा रहे हो, खुद बच्चों को फंसा रहे हो, इसके बाद जाके वहां पे उनको छुड़वा रहे हो, सारी चीजें अपना श्रेय ले रहे हो कि हम बच्चों के लिए ये करेंगे, हम अपनी जान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं होता है यार, सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है। वहां पे उसी बीच में बच्चों को पकड़ पकड़ के जेल में भर दिया, और जेल की सच्चाई बता रहा हूँ, कोई तोड़ फोड़ का मुकदमा होता है, छेड़छाड़ का मुकदमा होता है, तब केस लगता है। भाई साहब आप लोग बोल रहे हो कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, धरने के लिए अपनी मांगों को रखने के लिए किसी भी बच्चे को जेल नहीं होती है, रूल पढ़ लीजिए आप, ऐसा नहीं होता है। अभी वो सुबह बंद करेंगे और शाम को छोड़ देंगे, आप पूरी जानकारी नहीं लेते बस वीडियो बनाने पे कि मैं छुड़ाया, मैं ये किया, मैं फलाना ढिमका किया, ऐसा नहीं होता है। हम किसी तरह जितने भी बच्चे थे उनको बता के कि आप मुखर्जी नगर पहुंचो, वहां पे प्लान होगा, इसके बाद दोबारा फिर होगा, कितने भी बच्चे होंगे उनको सब छुड़ाया जाएगा और वो छोड़ देंगे,
कोई ऐसा नहीं है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। सारी चीजें, ये सारी चीजें समझो यार, गलत गुमराह क्यों बच्चों को कर रहे हो है? इसके बाद वहां पर पहुंचे, ठीक है, सब लोगों ने पूरे बच्चों को, जो वहां पर बच्चे पहुंचे, खाने की सारी व्यवस्था हुई, सारी चीजें हुई। और सुनो, ये बारकोड का जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो जो कमांडो सर अपने में दिखा रहे हैं कि मैं ये पैसे मांग रहे हो, वो बारकोड सिर्फ एकेडमी संचालकों के लिए डाला गया था और उन बंदों के लिए जो बंदे बच्चों का सहयोग कर सकते हैं, जो इंडियन आर्मी को लाइक कर सकते हैं। नहीं, कोई भी बंदा कमेंट करे, किसी भी बंदे के लिए पहुंचा और किसी बंदे ने यहाँ पर जमा करने की कोशिश की वो पैसे की, ये सिर्फ एकेडमी संचालक, क्योंकि एक बंदा अकेला भार कैसे उठा सकता है। यहाँ पर इतने बंदे खड़े हुए हैं, कम से कम 10-15 एकेडमी वाले वहां पर हैं, उनके लिए बारकोड जारी किया गया है, तो ठीक है। तो वो बारकोड सिर्फ उन लोगों के लिए जारी हुआ है जो एकेडमी संचालक है, कोचेज हैं, जो थोड़ा सक्षम जो लोग हैं उनके लिए, कि अगर हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के हक के लिए अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो करिए, ठीक है ना। और इसके लिए नहीं है कि बच्चे वहां पर पैसा जमा करें, इसके बाद यार किसानों के बच्चे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं बेचारे, किसी तरह जो लोकल के बच्चे वो पहुंच रहे हैं, अपना खर्चा बयान कर रहे हैं, सारी चीजें धरने पे पहुंच रहे हैं। मैं मानता हूं कि फायदा उनका है, लेकिन मुद्दा किसने उठाया? हम लोगों ने उठाया ना। हमारे पास बच्चे क्यों जाते हैं? भरोसा करके जाते हैं ना कि तैयारी करवाएंगे, सर अच्छे हैं, तो क्या सर का फर्ज नहीं बनता है कि उनके लिए खाने की व्यवस्था करें?